ट और वाइट ट्राउजर विध दिस पिंक दुपट्टा पूरी आप ताप से चमक रहा है आप सब आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अलहमद लाला तो आज है फ्राइडे और बादल देखें थोड़े थोड़े आ रहे हैं पर धूप बहुत तेज़ है मैंने भाई पौधों को देना था पानी बट गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरी भाई जाने की हिम्मत नहीं हो रही और क्योंकि धूप बहुत तेज़ है लेकिन पौधे भी सूखे हुए हैं उनको भी पानी देना ज़रूरी है तो देखें क्या होता है मैं जाती हूँ कोशिश करती हूँ सर को मुंह को कवर करके फिर जाती हूँ और आज फ्राइडे है और हमने लेना है शॉवर तो मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए हैं ये फ्राइडे के अकॉर्डिंग वाइट शर्ट और वाइट ट्राउज़र विद दिस पिंक दुपट्टा और ज़्यादातर मोस्टली आपको मेरे जो है वो वाइट शर्ट ट्राउज़र साइज शर्ट्स ही मिलेंगी देखने को तो बस फ्राइडे के अकॉर्डिंग काम हदम करते हैं शावर लेते हैं नमाज़ पढ़ते हैं और का सुरगाजमी पढ़ा करें और हाँ जिनको प्रॉब्लम होती है ना ये कि सूर्य कहाव बहुत लंबी होती है तो वो उनके लिए ये कि उस सुबह फजर में पढ़ लिया करें मैं भी फजर में ही पढ़ लेती हूँ क्योंकि इस टाइम टाइम नहीं होता शावर होता है काम होते हैं तो बंदे के पास टाइम नहीं होता तो इसलिए मैं भी फजर में ही पढ़ लेती हूँ और ये फ़ोकस नहीं कर रहा किसी भी तरह से फोकस नहीं कर रहा कैमरा चले हैं लेते हैं शावर और पढ़ते हैं जुम्मे की नमाज़ और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं और जुम्मे की नमाज हमारी हो गई है डन यहाँ पे मैंने पौधों को पानी दे दिया था गिले हुए हुए, हुए हैं और बाहर धूप बहुत ज़्यादा सख्त है सूरज दिखाती हूँ आपको ये देखिए पूरी आपो ताप से चमक रहा है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और ये इस पौधे की छांव चेक करें आप इतनी अच्छी लग रही है और यह छाँव में फिर भी थोड़ा सुकून है बट धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी है बादल हैं टुकड़े थोड़े थोड़े मगर सूरज के आगे नहीं आ रहे और यही प्रॉब्लम होती है गर्मियों में सर्दियों में इतनी जल्दी सूरज के आगे आ जाते हैं और गर्मियों में जो है वो आते ही नहीं हैं खैर मैंने अपने नेल्स काट लिए थे ट्रिम कर लिए थे सॉरी रात को ही कर लिए थे क्योंकि फिर जो है वो दिन में टाइम नहीं होता तो कोशिश करते हैं कि फ़्राइडे की को सुनते हैं जितनी भी हैं जुम्मे की कोशिश करते हैं कि कुछ तो पूरी कर लें लेकिन सारी तो पता नहीं होती हैं या नहीं होती कुछ ना कुछ हो ही जाती हैं तो बस चलते हैं आप अंदर और यहाँ पे बन रही है आज हमारे घर में हलीम जो मैं उस दिन लेकर आई थी आपको मैंने बताया था ना शान की आ, हलीम जो इंस्टेंट है ना वो लेकर आई थी और वो बहुत मज़े की बनती है और क्विक भी है तो जल्दी से बन जाती है तो चले वो बनाते हैं उसके लिए हमने सबसे पहले डाल दिया था चिकन पीसीस बोनलेस जितने भी थे उन सबको फ्राई पैन के अंदर और ऑयल डाल के इनको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई 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 करके और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जो स्पाइसेस होते हैं ना वो डाल देंगे और इसी में जो है वो आपकी रेड चिली अच्छे से पक जाएगी क्योंकि फिर उसके अंदर वो आ, मतलब कच्ची नहीं रहेगी वो हलक में जो लगती है ना वो नहीं होगा सिस्टम तो इसी में वो पक जाएगी अच्छे से और फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी और चिकन को हमने पहले से बॉईल कर लिया था बॉइल करके और फिर उसके बाद ये फ्राइंग का काम करें ताकि वो ना रेड चिली के साथ और स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स मिक्स हो जाए और फिर उसके बाद हमने इसमें पानी डाल दिया है पानी डाल के थोड़ी सी देर के लिए हम रख देंगे इसको कवर करके ताकि चिकन के अंदर ना स्पाइसेस सारे अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएँ और पानी डाल के ना थोड़ा सा उसको बॉयल लाजमी दिलाना होता है क्योंकि अदरवाइज़ फिर बहुत देर लग जाती है अगर फौरन से ही फ्लेम स्लो कर दो ना तो देर बहुत ज़्यादा लग जाती है तो इसलिए इसको बॉयल आ जाए एक अच्छा सा उसके बाद हम इसको आ, लाइट फ्लेम पे रख देंगे और यहाँ पे हमने चिकन को भेज दिया है पर्दे के अंदर <laughs> यानी कि उसको हमने कवर कर दिया है और ये थोड़ी सी देर के लिए पड़ा रहेगा फिर उसके बाद हम इतनी देर में साथ में जो पैकेट में है मिक्सचर सारा दालों वगैरह का मिक्सचर है वो सब डाल देंगे हम एक बाउल के अंदर डायरेक्ट आपने उसको पानी में नहीं डालना पहले बाउल में डाल लिया करें चेक शेक हो जाए ना कितना आज तक उसके अंदर कुछ है तो नहीं क्योंकि आपको पता है चेक करना ज़रूरी होता है तो खैर अच्छे से चेक करने के बाद हम बाउल में डाल देंगे सारा मिक्सचर और उसके बाद उसमें पानी डालेंगे एक पानी आप उसका निकाल दें ताकि अगर कोई मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए अदरवाइज़ ज़रूरत वैसे होती नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर लें और फिर उसके बाद हम जो है वो उसको थोड़ा सा वो मतलब डिप कर देंगे जितनी देर में ये चिकन पड़ा रहेगा चूल्हे पर उतनी देर में वो थोड़ी सी ज़्यादा डिप करने की ज़रूरत होती नहीं है इसको उतनी देर में वो भी पड़ा रहेगा फिर उसके बाद जो है वो हमने उसकी लेट उठानी है और उसमें फिर जितना पानी है उसको थोड़ा सा हम ड्राई करेंगे और साथ साथ उसको फ्राई फ्राई करते जाएंगे लाइट सा हमने पहले फ़्राई किया था और लाइट सा ही अभी भी फ्राई हो जाएगा खैर वैसे तो ये हलीम इतनी इजी होती है और इसके ऊपर रेसिपी भी लिखी हुई होती है लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हम अपनी रेसिपी से बनाते हैं और फ्राई इसलिए चिकन को पहले कर लेते हैं कि उसके अंदर से स्मेल या कोई टेस्ट वगैरह ना आए क्योंकि अगर सही से फ़्राई हुआ व ना हो ना तो फिर उसमें से ना स्मेल आ जाती है तो वो तो फिर बिल्कुल भी खाया ही नहीं जाता तो इसलिए साथ में हम विनेगर भी डाल देते हैं कि उससे भी अच्छा सा वो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है सारी जो होती है और टेस्ट भी जो है वो अच्छा सा आ जाता है और वैसे भी सुनत है तो इसलिए फिर विनेगर जो है वो हम लाजमी डाल देते हैं हर डिश में ही डल जाता है आराम से कोई टेस्ट ज़्यादा ज़्यादा तो डालना नहीं होता फिर ड्रॉप्स ही डालने होते हैं तो बस डाल के और फारक फिर उसके बाद हम इसको शिफ्ट कर देंगे कुकर में क्योंकि थोड़ा सा आ, कुछ टाइम के लिए आपको कुकर लगाना होता है या फिर आप उसको लाइट फ्लेम पे रख दें या फिर कुकर लगा दें हम कुकर लगा देते हैं कि इंस्टेंट है तो जल्दी काम ख़त्म हो फिर तो इसलिए कुकर में डाल के सारा मिक्सचर वग़ैरह बैटर डाल के और फिर हम इसको आई थिंक ट्वेंटी मिनट्स के लिए रख देंगे और हाँ ये नीचे भी बहुत ज़्यादा लगती है तो उस चीज़ का भी ध्यान देना है कि अगर आपने उसको कुकर नहीं लगाना तो भी आप उसको लो फ्लेम पे रख दें ताकि साथ साथ उसमें जो है वो uh, चम्मच हिलता रहे तो बस फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा काम तकरीबन हो गया है ख़त्म क्योंकि बाकी का काम अब बाद का है और बाद में हमने इसको सिर्फ तड़का लगाना है प्याज का अभी हम बीच में इसमें पानी डाल रहे हैं कि वो नीचे वगैरह ना लगे थोड़ा सा ज़्यादा पानी होगा तो वो बाद में ड्राई हो जाता है और वैसे भी कॉर्न फ्लोर डालो तो वैसे ही वो पानी कम हो जाता है खुद बहुत कम नहीं होता मतलब आई थिंक वो सोक कर लेता है जो कॉर्न फ्लोर होता है वो पानी को सोक कर लेता है तो यहाँ पे कुकर को बंद कर दिया हमने और 20 मिनट्स के लिए हमने इसको चूल्हे पे छोड़ दिया है फिर उसके बाद जब हम इसको खोलेंगे 20 मिनट्स के बाद तो चिकन की जो पीसेस हैं वो मैंने निकाल लिए थे निकाल के अब मैं इनको श्रेड कर लूँगी अच्छे से श्रेड करने के बाद क्योंकि अब ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं कुकर चल गया ना तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया तो ईजिली श्रेड हो गए थे बस फिर अच्छे से श्रेड करने के बाद जो है वो इसके इसको मैंने वापस उसी बैटर के अंदर डाल दिया था फिर उसके बाद इसका फ़्लेम फुल करके और इसमें हमने कॉर्नफ्लोर और चाट मसाला डाल लिया था और ताकि वो अच्छे से थिक हो जाए जितनी होनी है ये देखें ये हमारी हलीम जो है वो तैयार हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप। अभी थिक है इसमें थोड़ा सा हम अभी डालेंगे पानी और फिर उसके बाद लगेगा इस पर तड़का प्याज ब्राउन कर लिया है उसके बाद हम इस पर लगाते हैं अभी तड़का प्याज को हमने ब्लैक कर लिया है अच्छे से ब्लैक नहीं ब्राउन और आप ये तड़का लगने लगा कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक ठीक होती है तो बस फिर उसके बाद हम ये जल्दी से सर्व करते हैं और फिर यहाँ पे मुझे दोबारा से शौक़ चढ़ा हुआ था स्लोमा बनाने का तो मैंने इसका भी स्लोमो बना लिया क्योंकि हर चीज़ का मुझे आजकल बड़ा वो हो रहा है कि अच्छा सा प्यारा सा एक स्लोमा बनाए बंदा आराम आराम से चीज़ें डल रही होती हैं तो वो इतने मज़े का लग रहा होता है तो यहाँ पे हम अपनी हलीम को गार्निश कर रहे हैं उसके ऊपर डाल रहे हैं हम धनिया धनिया डालने के बाद हम उस पर डालेंगे ग्रीन चिलीज़ और ये देखें जा रही हैं हमारी ग्रीन चिलीज़ और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे लीमू लीमू अभी डालते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको ये देखें अच्छा लीमू का पल्प निकाल के हमने रखा हुआ होता है इसलिए आपको ऐसे थिक थिक सा फ़ील हो रहा है क्योंकि पल्प लीमू का निकाल के ना हम फ्रीज़र में सेव कर लेते हैं तो वो फिर जब आपको ज़रूरत होती है तो आप वहीं से निकालो और यूज़ कर लो तो हम भी वही काम करते हैं फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला जो कि कुछ ज़्यादा ही डल गया था वीडियो बनाने के चक्कर में लेकिन खैर कोई नहीं वीडियो तो बन गई थी अच्छी सी तो चलिए जी आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप अपना ख्याल रखिएगा मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़